चार लोग अभी जा रहे हैं बाइक में, इधर पुलिस नहीं है, इसलिए हेलो गाइस A few moments later. पैन के अंदर मछली घुस गया भाई। हैप्पी होली दोस्तों, आई नो कि बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है वीडियो को अपलोड करने में, बट इस साल हमने बहुत ही ज्यादा मजे किए होली में। हमने दो डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर किए भाई लोगों के साथ। फर्स्ट एट द मॉर्निंग मी एंड शोमा वाज रेसिंग बाय द बाइक। बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, क्या हो तो बता रहे हैं, मुझे लेट करा दे, हम किधर जा रहे हैं हमें कुछ भी नहीं पता। एंड देन जॉइन मुन्नी, वो वाला मुन्नी, तेरा हमारा मुन्नी, मुन्नी आ चुका है वो वाला मुन्नी। मुन्नी को बहुत टाइम से खड़ा करके रखे हैं। हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली गाइस। हेलो गाइस, हैप्पी बर्थडे। ओके, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट्स हैं एंड सबसे बड़ी चीज की हम लेट हो चुके हैं टू कैच द ट्रेन, बट आके देखे कि ट्रेन अभी तक आया नहीं, बट भाई भीड़ पूरा खतरनाक है। गाइस हम लोग अभी स्टेशन में आ रहे हैं, हाल खराब हो चुका है। देखो घुसे कहा, इट्स लाइक कि मुंबई मेट्रो, पर किसी भी हालत में पैर फंसाने की जगह मिल गई, बट इतनी भीड़ में ये क्या चल रहा है। ख्वाबों में जो आई जाए, यार हम वही है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। देन उतर चुके हैं शांति निकेतन में टू गो टू सोनाजुड़ी हाट। बहुत ही ज्यादा फेमस है यहाँ की होली, इनफैक्ट फॉरेनर्स ऑल्सो केम टू सेलिब्रेट होली हियर। हेलो गाइस, यहाँ की कल्चर, लोग सब मिला के एकदम बढ़िया रहा। स्पेशल या स्ट्रेंजर को भी लगा सकते हो रंग, बट इतनी भीड़ में केस क्या हुआ अब खुद ही देख लो। ये रहा बहुत खतरनाक एक रोड, देख सकते हैं हम लोग, इधर हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे होली खेला हो रहा है, हम उधर होली खेलेंगे। तो गाइस देख सकते हो कि हम लोगों का, हम दोनों से बचे हैं, बाकी चार लोग हम दोनों से बिछड़े गए। हम लोग ढूंढ रहे हैं उन लोगों को, किधर है वो लोग, पर हम ढूंढ नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, खतरनाक लेवल की भीड़ है। बहुत टाइम से भाई कोशिश कर रहा है, मिला कुछ, मिला पकड़ा कोई? बट उन लोगों से कनेक्ट तो हम नहीं कर पाए, होली है तो चलता है। One hour later. Guys, अब मैं अकेला पड़ गया, बाकी सब मुझे छोड़ के चले गए। Guys, फाइनली हम बोले, हम कॉल, मतलब उसको कॉल लगा और वो बोले कि सामने है, देखते हैं सामने है कि नहीं। अभी हम लोग का ट्रेन है, बट आई डोंट थिंक कि ट्रेन हम पकड़ पाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। देखते हैं, होली आप देख ही सकते कितना घटिया हो चुका है, बाल सब बिखर गया पूरा, बस स्टिल हम लोग देख रहे हैं, शायद वो लोग मिल जाए जल्दी जल्दी, और ट्रेन हम पकड़ चुके हैं।
और ट्रेन हम पकड़ ले। इस वजह से कुछ खाए भी नहीं। देखते हैं बाहर में क्या खाना मिलता है। हाँ चलो देखते हैं वो लोग किधर है कितने। और हर टाइम ऐसा होता है कि मैं ही छूट जाता हूँ, और इसका एक फ़ायदा भी है बिकॉज वो लोग मेरे को छोड़ के नहीं जा सकते, बिकॉज मेरे पास एक बाइक है और मेरे बाइक में वो लोग आए हैं। छोड़ के तो मुझे नहीं जा सकते, मेरे लिए रुकना ही पड़ेगा उन लोगों को। देखते हैं। देन बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ एंजॉय करे गाना डांस एंड भांग। सिर्फ होली में इस चीज की कमी थी। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स सेकंड वन। ये रहा होली। हम लोग ट्रेन से लौट रहे हैं अभी। सो अभी इसके बाद एक और जगह जाना है हम लोग। ये रहा सब लोग। अब आप डांस देख लो बिना कुछ पिए, कसम से। सेकेंड डेस्टिनेशन। बहुत ही ज्यादा एंजॉय करे, एकदम दिल खोल के जी फार के रूह तक बाहर आ गई। होली में पूरी बॉडी में तो रंग लग चुकी थी, कहाँ कहाँ पे लगी थी उसको रहने दो। एंड ऑब्वियस बात है कि घर पे तो जगह नहीं मिलेगी, हम तो वॉशरूम यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू नो मम्मी। तो गांव में वन एंड ओनली एंड द बेस्ट ऑप्शन इज तालाब। तो गाइस फाइनली होली खेला ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आए नहाने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो बाल मेरा कितना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, धूप बहुत ज़्यादा है। और हम दोनों, ये और मेरा एक फ्रेंड, ठीक है, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे तालाब में नहाएंगे बिकॉज इतना ये सब पसीना पसीना हो चुका है, कलर लग चुका है। अगर हम लोग वॉशरूम में रहेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, पूरा गंदा हो जाएगा, मम्मी बहुत ज़्यादा पीटेगी। तो इसलिए हम वो नहीं करेंगे, यहाँ पे आके एकदम नेचर में अच्छी से नहा लेंगे। सो चलो हम लोग दिखाते हैं आपको थोड़ा सा तालाब। ये देख लग बढ़िया तालाब है। ये रहा हम लोगों का तालाब, और ये है हम, ये है मेरा दोस्त। हाय बोल दे, हरी हाय। सो फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ऐसे दोस्त लोगों के साथ। मैं वैसे ब्लॉग बनाता नहीं हूँ, शाही किस्म का लड़का हूँ मैं बहुत ज़्यादा। क्या बोलते हो हरी? शाही किस्म का लड़का हूँ, बहुत ज़्यादा नाचा आज, ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार। इतना ज़्यादा मैं नाचता नहीं हूँ, पर आज थोड़ा खुल गया था ऐसे ही। तो होली होती है जस्ट लास्ट फेस्टिवल बिकॉज सरस्वती पूजा मतलब दुर्गा पूजा सबसे बड़ी फेस्टिवल होती है बंगाली लोगों के लिए। उसके बाद दिवाली होती है, दिवाली में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम लोग। फिर लास्ट आती है, उसके बाद सरस्वती पूजा होती है, सरस्वती पूजा के बाद होती है होली। सो होली इज़ द लास्ट, यू नो लास्ट सीजन आप बोल सकते हो, लास्ट फेस्टिवल बोल सकते हो। उसके बाद फिर से दुर्गा पूजा आएगी। तो उतना टाइम तक अगर गैप रहा तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा मस्ती हम लोग करते हैं। अब लोग देख ही चुके होंगे कितना ज़्यादा मस्ती हम कर चुके हैं। और मैं फर्स्ट व्लॉग बना रहा हूँ ऐसे यार, मैं गांव में व्लॉग बनाता नहीं हूँ। एक पहला व्लॉग था गांव का, बट ऐसे फेस्टिवल में ओकेशन में नहीं करता बिकॉज आप लोग जानते हो कि जो लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं है अभी, आप लोग जो लोग नया वीडियो देख रहे हो उन लोगों को शायद पता नहीं है, बट मैं 30 डे सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज कर रहा हूँ। मेरा चैनल स्पेशली सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड ही है, तो वो चैलेंज कर रहा हूँ। और लकीली मैंने 30 डे 30 रील्स अपलोड कर चुका हूँ और चैलेंज को भी कम्प्लीट कर चुका हूँ। और आज शायद वो 31st डे है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आज मैंने चैलेंज को एकदम, मेरा पांचों रूल एकदम मैंने फॉलो नहीं किया। मैं सुबह उठा, नो मेडिटेशन, नो हेल्दी डाइट, कुछ नहीं था। सुबह मैं छोले का शरबत खा के गया था, पी के गया था, उसके बाद कुछ नहीं पिया। अभी ये देखो कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, ठीक है, कितना घटिया चीज़ है, शुगर से एकदम पूरा ही शुगर है। फिर भी क्या करें यार, फेस्टिवल होता है तो आप लोग भी रिलेट कर पाओगे कि नहीं, एक दो दिन ऐसा हो सकता है। बट स्टिल हम जितना ज़्यादा कोशिश कर उतना ज़्यादा अपने रूटीन में रहने की कोशिश करेंगे। अपना जो हमने हेल्दी डाइट है, जो हमने पांच जो हमने रूल बना के रखा है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेटली मैं फिर से इस चैलेंज को लूँगा। बट कम बैक टू दिस होली सीजन, हम अभी नहाएंगे, ठीक है। तो बहुत टाइम हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा भूख भी लग चुका है एक्चुअली। सो नहाएंगे, फिर नहाने के बाद खाना खाने जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है,
ये बंदा देखा जा भी नहीं, बिकॉज हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए भैया। अब नहाएंगे, नहाने के बाद जाएंगे घर, व्लॉग को इधर ही एंड करेंगे, थोड़ा सा मस्ती मजाक यहाँ पे कर लेंगे नहाते नहाते, बिकॉज ये तालाब है। आप लोग जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों को तो पता होगा तालाब कैसी होती है, बट जो लोग अब शहर से देख रहे हो मुझे, बिकॉज बहुत सारे लोग टीयर वन सिटी से मुझे फॉलो करते हैं, तो ये रहा ये नज़ारा, ये एकदम खेत के बीच में ये तालाब है, आप देख सकते हो पूरा ही खेत है और ये ठंडे ठंडे पानी है। बिकॉज यार मैं ना घर गया था, ओके, घर जाने के बाद मम्मी ने मुझे बोला कि तुम वॉशरूम तुम्हारे लिए नहीं आज, ठीक है, तुमने इतना ज़्यादा घटिया रंग लगा के आए आज। मैं बोला कि यार रंग तो लगेगा ही ना, हम थोड़ी ऐसे देखो हाथ लाल होगा, हम लोग बोले थे नहीं आबिर खेलेंगे, ठीक है, जो अच्छा रंग होता है वो खेलेंगे, बट नहीं, वो सिर्फ मतलब कलर वाला रंग तो वो लोग लगाएंगे ही, कलर तो लगाएंगे वो लोग, तो उसके बाद क्या करें, वॉशरूम पूरा गंदा हो जाएगा, मम्मी पीट देगी और ड्रेस तो देख ही सकते हो यार कितना घटिया हो चुका है। तो इसके लिए हम यहाँ पर नहाएंगे, नहा के फ्रेश होंगे, इसका तो अब हो चुका है, इतना ज़्यादा घटिया बात है सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो ये उतर चुका, देख लो यार तो बोले कि कब से बक बक करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, इसका नहाना स्टार्ट हो चुका है, हम भी नहा लेंगे। मज़ा आ रहा है ऐसे, हम लोग नहाते नहीं एक्चुअली यहाँ पे, एक्चुअली जो लोग मजदूरी करते वो लोग नहाते हैं, बट स्टिल यहाँ पे नहाने का कितना ज़्यादा मज़ा है, लोग अगर आप लोग नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, हम लोग बचपन में करते थे बहुत ज़्यादा, अबे साले अभी करके बहुत वो फ्लैश बैक हो रहा है, बचपन में इधर कहीं पर पेड़ हुआ करता था, यहाँ पे एक नीम का पेड़ हुआ करता था, पीपल का पेड़, ये सब पेड़ हुआ करता था, तो वहाँ पे हम लोग डाली में चढ़ के हम लोग नहाते थे, तो एक अलग ही मज़ा है उसमें, कभी आओ कभी ऐसे ऐसे जगह को एक्सप्लोर करो, मज़ा आएगा आपको भी। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं ऑल्दो मुझे स्विमिंग करनी आती है, ओके, मैं बचपन में सीखा था बट बहुत दिन किए नहीं ना, इसलिए ट्राई नहीं कर रहा, रिस्क नहीं लेने का। ओके, सो गाइस हो चुका है हम लोगों का नहाना, ये रहा, हम लोग जा रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और ठंडी भी लग जाएगी, बिकॉज ऐसा हम लोग नहाते नहीं है ना, जो आदत में नहीं है वो अगर आप करोगे तो आपको ठंडी भी लग जाएगी। तो व्लॉग को हम लोग इधर पे ही एंड करते हैं, सो आप लोगों का कैसा वीडियो लगा आप लोग प्लीज़ बताना मुझे, मेरा एफर्ट कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में, ठीक है, और यूजुअली मैं जैसा वीडियो बनाता हूँ वो तो आएगा ही, और ऐसा वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, स्पेशल ओकेशन जो लोग जो चीज़ होती है मेरे लाइफ में, अगर ऐसे कुछ ओकेशन वगैरह में जाता हूँ तो ज़रूर हम लोग बनाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो हम लोग बताना मुझे, और थैंक यू सो मच वीडियो को इतने दूर तक देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच, जस्ट थैंक यू सो मच, और कुछ नहीं बोल सकता मैं, बहुत ज़्यादा भूख लग गया, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, अभी खाना है सोना है और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, चो चलो बाय, लाइक से सब्सक्राइब जो करना हो तो कर देना, आपको पता ही होता है, चलो बाय। तो गाइस यहीं पे व्लॉग को ख़त्म करते हैं, एंड वीडियो को कैसा लगा लोग बताना, मैं फर्स्ट टाइम पब्लिक प्लेस में जाके व्लॉग करने की कोशिश की, थोड़ा और बात करने की कोशिश की, आई नो कि मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे इनसिक्योरिटीज़ हैं, मैं बात नहीं कर पाता हूँ पब्लिक के सामने, बट स्टिल मैं करूँगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो को बताना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आप लोग अगर मुझे थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे, थोड़ी सी लाइक शेयर आ जाएगी तो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जग जाएगी कि मुझे भी ये सब ओकेशंस को एक्सप्लोर करना है
और मैं डेली व्लॉगिंग तो नहीं करूँगा, बट डेफिनेटली कि मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। सो एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन यू, आप लोग कितना ज़्यादा सपोर्ट दिखा एंड कैसा लगा आपको मेरा ये क्वालिटी, मेरा ये एफर्ट। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, ताबड़तोड़ एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में लिखना है कि कैसा चल रहा है, वीडियो को शेयर करना है उन लोगों के पास कि हम लोग नेक्स्ट ईयर में भी अगर जाए तो हम लोग मिल पाए, हम कोलैब कर पाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है कि मेरे ये सब वीडियो देखने के लिए। बाय द वे, दिस इज़ अ व्लॉग वीडियो, बट मैं यूजुअली सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोज़ बनाता हूँ, बट दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करना है ना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब ये नहीं कि घर में बैठो मेडिटेट करो, हेल्दी डाइट करो, ये सबसे नहीं होता। आपको कम्युनिकेशन भी अच्छी आनी चाहिए। सो पब्लिक में जाना, इनसिक्योरिटीज को फेंकना एंड कॉन्फिडेंस लाना, लोगों से बात करना, ये हम भी चैलेंज लेंगे, ऐसा करेंगे। एंड आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड हसल इट थ्रू।